हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइन सैयद। आज मैं पालक आलू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो पालक ले लिया, इसे धोकर साफ करके यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर मैंने दो आलू ले लिए हैं। इस बर्तन पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं पालक उबालूंगी, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी पालक। यहाँ पर पालक को ज़्यादा उबालेंगे नहीं, थोड़ा एक उबाल आने देंगे बस। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। इससे चीनी का पालक का कलर जो है ना, हरा के हरा रहता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पालक को उबाल आ चुका है। हम गैस बंद कर देंगे और यहाँ पर इसे निकालेंगे। हम एक मिक्सर पॉट लेंगे और इसमें ये मिक्सर पॉट में पालक निकाल लेंगे। गरम गरम नहीं पीसना है, ठंडा होने के बाद में पीसना है। थोड़ा हल्का सा मैं ठंडा होने दूंगी, उसके बाद हम पीसेंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे 4-5 मिर्चियाँ। हरी मिर्ची है ये, आप हरी मिर्ची नहीं डालना चाहते तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे लहसुन की 6-7 कलियाँ। इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक, एक बारीक पीस इसमें कटा हुआ। अब इसका हम महीन सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका पेस्ट बना दिया है। यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल देंगे ऑयल। यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच राई दाना। यहाँ पर देखिए आलू को ऐसे पीसेस में काट दिया है, तो मैं इसे डाल दूंगी। मैंने ये आलू का छिलका वगैरह नहीं उतारा है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लेके उसका पेस्ट बना दिया है। अगर आप छोटे टमाटर ले रहे हैं तो दो लीजिए। अब मैं डाल दूंगी इसमें, और मैंने डाल दिया है इसमें। इसे मिक्स कर लूंगी। पॉट को धो के पानी डाल देंगे। यहाँ पर अब डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। इसमें डाल देंगे 1 चौथाई चम्मच हल्दी और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, हरी मिर्चों का भी बना सकते हैं। मैं 1 चम्मच पूरा नहीं डाल रही हूँ, आधा चम्मच डालूंगी मैं। सेव कर देंगे मिक्स। इसमें डाल दूंगी मैं धनिया पाउडर, तो मैं 1 चम्मच डालूंगी। इसे कर देंगे मिक्स। यहाँ पर देखिए सभी मसाले अच्छे से पक चुके हैं और मिक्स भी हो चुके हैं। तो इसमें डाल देंगे ये पालक की प्यूरी। यहाँ पर इसे कर देंगे मिक्स। और गैस की फ्लेम कम थी तो बढ़ा देंगे। यहाँ पर ये मिक्सर पॉट को धोकर पानी डाल देंगे। हमने आलू को उबाला नहीं, कच्चा ही बनाया है, तो हम इसे आलू पकते तक सब्जी पकाएंगे। यहाँ पर पकने देंगे, यहाँ पर ढक देंगे और पकाएंगे। यहाँ पर देखिए पालक की रेसिपी रेडी हो चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 चम्मच दूध पर की मलाई डाल देंगे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
अब हम गैस बंद कर देंगे और सर्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारी आलू पालक की रेसिपी रेडी हो चुकी है। मैंने इसे सर्व कर दिया है। इसे रोटी के साथ में, फुलके के साथ में, चावलों के साथ में, नान के साथ में आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसे आप जरूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।